अबाउट बिहार हम लोग जानेंगे फ्रेंड, देखेंगे बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मोस्ट फेमस चीज़ क्या है, तो ये सब सब हम लोग मतलब बिहार के बारे में जानेंगे। फर्स्ट टू ऑल पहले डायग्राम देख सकते हैं फ्रेंड, ये बिहार का पूरा डायग्राम हो गया, ये जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये पूरा बिहार का डायग्राम हो गया फ्रेंड। पश्चिमी चंपारण, बेतिया, ये जो भी है आप लोग पूरा देख सकते हैं, ये पूरा बिहार का डायग्राम है। ये पूरा बिहार हो गया, ये हो गया फ्रेंड गौतम बुद्ध जी का टेंपल, वो टेंपल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्टली प्रीफर्ड डिस्टिनेशन फॉर द इंटरनेशनल टूरिस्ट। उसके बाद टूरिज्म इज ए वेरी प्रोमिसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री विथ ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स एंड द अट्रैक्टिव फीचर्स। इंडिया इज ये कंट्री नन फॉर इट्स द कल्चरल हेरिटेज, हिस्ट्री एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज हैव ए गुड नंबर ऑफ द लोकेशंस क्रिएटिंग कैटरिंग टू द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो ये सब तो फर्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन में बता दे रहा, टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं इंडिया में फ्रेंड। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्टली प्रेफर्ड द डिस्टिनेशन फॉर द इंटरनेशनल टूरिस्ट। उसके बाद फिर बात करें स्टेट प्रोफाइल की, तो लोकेशन, कैपिटल सिटी और पॉपुलेशन, लैंग्वेज सबके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ बिहार के बारे में बात करें तो बिहार इज ए स्टेट इन द ईस्टर्न इंडिया। तो बिहार इंडिया में किस साइड लोकेटेड है, तो ईस्ट में यानी पूर्व पूर्वोत्तर मतलब ईस्टर्न पूर्व में। और इंडिया द स्टेट्स कवर एन एरिया ऑफ द 49,163 स्क्वायर किलोमीटर विद 82 8,28,78,78,78,792 इन्हेबिटेंट्स। यानी कि बिहार का जो एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और 8,28,78,792 इन्हेबिटेंट्स है। और बिहार लाइज मिडवे बिटवीन द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड उत्तर प्रदेश। मतलब बिहार लाइज मिडवे मतलब बॉर्डर जो बाउंड्री उसका लगता है वो वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, यानी पूरा में बिहार के पूरा में बंगाल है और एंड उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट। इट इज़ द बाउंडेड बाय द कंट्री ऑफ नेपाल टू द नॉर्थ एंड द बाय नॉर्थ एंड बाय झारखंड टू साउथ। द कैपिटल सिटी ऑफ द बिहार इज पटना। हिंदी एंड उर्दू आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट वाइल द मेजोरिटी ऑफ द पीपल स्पीक द अंगिका, भोजपुरी, मगधी, मैथिली एंड द बज्जिका। द स्टेट हैज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कंट्री विद द एक्सेलेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स हैज़ 47.5% लिटरेसी लेवल। यानी यहाँ पे कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं, तो अंगिका, भोजपुरी हो गया, मगधी, मैथिली एंड बज्जिका, यहाँ का मुख्य प्रमुख भाषाएँ हो गई फ्रेंड। और यहाँ का जो लिटरेसी की बात करें तो 47.5% हो। और पटना यहाँ का कैपिटल यानी राजधानी है, बिहार का राजधानी पटना हो गया। और यहाँ बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी और उर्दू है। और ये अपना बाउंड्री शेयर करता है तो ईस्ट में हो गया, ईस्ट में यानी पूरब में हो गया बंगाल, वेस्ट में हो गया उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ में हो गया नेपाल और झारखंड के साथ साउथ में झारखंड डिफरेंट। ये इधर बाउंड्री अपना शेयर करता है यहाँ पे। उसके बाद फिर रिवर एंड फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट की बात करें रिवर एंड फॉरेस्ट फॉरेस्ट का बात करें तो बिहार है नोटिफाइड द फॉरेस्ट एरिया ऑफ 6,764.14 किलोमीटर स्क्वायर विच इज द 7.1% ऑफ इट्स जो जियोग्राफिकल एरिया। तो ये कितना परसेंट है बिहार में टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो 6,764.14 किलोमीटर स्क्वायर है फ्रेंड। और ये पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 7.1% है। द सब हिमालयन फुट हिल्स ऑफ द सोमेश्वर एंड दून रैंक्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट अनदर
बेल्ट ऑफ द मोस्ट डिसाइडियस फॉरेस्ट दिज ऑल्सो द कंसिस्ट ऑफ द स्क्रब ग्रास एंड रीड्स। ये सब इसके बारे में जाने। रिवर की बात करें तो बिहार है जी नंबर ऑफ रिवर्स रिवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज द गंगा। द रिवर गंगा फॉलोज राइट अक्रॉस इट फॉर्म वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ बिहार इज द एक्सट्रीमली फर्टाइल द लैंड बींग वाटर्ड बाई द रिवर्स सरयू गंडक एंड गंगा। द अदर रिवर्स आर द सोन पुनपुन फाल्गु करमनसा और दुर्गावती कोसी घाघरा। ये और भी नदियाँ हो गई फ्रेंड और ये हम लोग इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में जाने रिवर के बारे में। और क्लाइमेट की बात करें तो द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज ए पार्ट ऑफ द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो द विंटर से विंटर सीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम द दिसंबर टू फरवरी एंड द समर फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टू मई। तो विंटर सीजन जो स्टार्ट होता है फ्रेंड वो दिसंबर से फरवरी और समर की बात करें तो मार्च टू मई रहता है। उसके बाद फिर बात करें द साउथ वेस्ट मानसून अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन द स्टेट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द जून टू सेप्टेम्बर। उसके बाद फिर बात करें बिहार इज द मिल्डली कॉल्ड इन द विंटर एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर बींग द अराउंड 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। तो लोवेस्ट यहाँ कितना डिग्री सेल्सियस रहता है तो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब आप लोग जाने होंगे फ्रेंड। फिर आगे बात करते हैं तो इट इज़ वेरी हॉट इन द समर सेशन एंड द टेम्परेचर गोज अराउंड द 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मी में इसका तापमान जो है फ्रेंड वो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और अक्टूबर और नवंबर एंड फरवरी एंड मार्च इज द टाइम वैन द स्टेट हैज ए प्लीजेंट क्लाइमेट। मतलब अक्टूबर नवंबर फरवरी मार्च की बात करें तो ये एक बढ़िया मौसम रहता है, ना गर्मी ना ठंडा। तो ये अच्छा है फ्रेंड। उसके बाद शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में एंशियंट बिहार इज नन आई द मगध। तो एंशियंट बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता है। इट वाई द सेंटर ऑफ पावर लर्निंग एंड द कल्चर इन इंडिया फॉर द थाउजेंड्स ईयर्स। इंडियाज फर्स्ट एम्पायर द मौर्या एम्पायर एज वेल एज वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैसिफिस्ट द रिलीजन्स बुद्धिज्म एरोज फ्रॉम द रीजन दैट नाउ मेक्स द मॉडर्न बिहार। उसके बाद फिर बात करें तो द मौर्यन एम्पायर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मगध इन द 325 BC वाज स्टार्टेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज बोर्न इन द मगध एंड हैड इट्स द कैपिटल एट पटना। द मौर्यन एम्पायर हु वाज बोर्न इन द पटना इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो एंशियंट बिहार में जो है मगध के नाम से बिहार को जाना जाता था और इसका जो सेंटर था तो यहाँ से लर्निंग का कल्चर का तो ये सब का सेंटर था फ्रेंड। और हजारों साल पहले से ये और यहाँ का जो फर्स्ट एम्पायर था वो मुगल एम्पायर था। और फिर बात करें हम लोग तो बुद्धिज्म का यहाँ से हुआ है। और मॉडर्न बिहार की बात करें मौर्यन एम्पायर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मतलब मौर्यन एम्पायर का जो ओरिजिनेटेड टाइम था वो 325 BC था। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं स्टेट इज नन फॉर द फेमस फॉर व्हाट। तो बिहार किस लिए फेमस है। द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स द हिस्टोरिकल प्लेस हिल्स वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी टेंपल एंड फूड्स। तो ये सब के लिए बिहार फेमस है फ्रेंड। उसके बाद फिर देखते हैं एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो रोड रेलवेज एयरवेज सी रूट्स मतलब सबका सब सारा चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब रोड है रेलवे है एयरवेज है एंड सी रूट समुद्री रास्ता। तो बिहार बीइंग द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया इट विल द कनेक्टेड टू मोस्ट ऑफ द अदर सिटीज ऑफ द कंट्री बाय हाईवेज रेलवे एंड एयरवेज। तो ये सब हम लोग देखें फ्रेंड। और एयरवेज की बात करें तो बिहार है टू ऑपरेशनल एयरपोर्ट दे आर लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट लोकेटेड इन पटना एंड द गया एयरपोर्ट सिचुएटेड इन गया। तो ये जो है फ्रेंड ये ऑपरेशनल एयरपोर्ट के नाम है। उसके बाद बात करें द पटना एयरपोर्ट इज कनेक्टेड टू दिल्ली मुंबई कोलकाता लखनऊ बेंगलुरु हैदराबाद चेन्नई पुणे एंड रांची। द पटना एयरपोर्ट इज कैटेगराइज एज ए रेस्ट्रिक्टेड
इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद कस्टम्स फैसिलिटीज ओ टू रिसीव द इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट्स। तो यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आते हैं फ्रेंड वो कस्टम फैसिलिटीज के लिए। उसके बाद फिर बात करें, द गया एयरपोर्ट इज एंड द इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टेड टू द कोलंबो, सिंगापुर, बैंकॉक, पारो एंड और भी कई देशों से कनेक्ट है। तो गया जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद करें हम लोग रेलवे का, तो बिहार हैज़ वेल डेवलप्ड रेलवे नेटवर्क विद द ऑलमोस्ट ऑल द मेजर एंड द माइनर प्लेसेस कनेक्टेड बाय द गुड ट्रेन्स। मेजर रेलवे स्टेशन लाइक पटना, मुजफ्फरपुर एंड गया आर द कनेक्टेड टू ऑल द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया बाय द रेगुलर ट्रेन्स। द अप्रोक्स लेंथ ऑफ द रेल ट्रैक इन द स्टेट इज 3,337 किलोमीटर्स। उसके बाद फिर रोडवेज की बात करें, तो देयर इज गुड नेटवर्क ऑफ रोड कनेक्टिंग ऑल द मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट विथ पटना। नेशनल हाईवे लाइक 231, 28, 23, 30 and 33 कनेक्टेड द स्टेट फ्रॉम द प्लेस टू ओवर इंडिया। और फिर बात करें, सम ऑफ द मेजर प्लेसेस इन द स्टेट फ्रॉम द पटना आर द सोनपुर, वैशाली, नालंदा, गया, बोधगया एंड राजगीर। ये सब मेजर प्लेसेस हैं प्लैंड। उसके बाद टाइम जोन की बात करें, तो टाइम जोन, करेंसी एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो थ्रू आउट द इंडिया द टाइम जोन इज सेम ऑफ ऑल द स्टेट। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्लस 5:30 है फ्रेंड, ये मिर्जापुर से गुजरती है। उसके बाद फिर बात करें, तो द इंडियन रूपी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द इशुएंस ऑफ द करेंसी इज द कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द न्यू इंडियन रूपी सिंबल आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, सिंबल इसका ऐसे रो बना हुआ रहता है। इनर इज द ड्राइव फ्रॉम द देवनागरी। द फर्स्ट सीरीज ऑफ क्वाइंस विथ दिस न्यू रूपी सिंबल वाज द लॉन्च्ड 8 जुलाई 2011। उसके बाद फिर बात करें फ्रेंड, द मॉडर्न रूपी इज द सब डिवाइडेड इंटू 100 पैसे। द मॉडर्न रूपी इज सब डिवाइडेड इंटू 100 पैसे। थ्रो दिस डिवीजन इज नाउ द थ्योरेटिकल एज ऑफ 30 जून 2011। उसके बाद फिर बात करें, क्वाइन डेनोमिनेशंस ऑफ लेस देन 50 पैसे कैश टू बी लीगल टेंडर। बैंक नोटेड आर द अवेलेबल इन द नेशनल वैल्यू ऑफ द 5, 10, 20, 50, 100, 500 and 2000 rupees। क्वाइंस ऑफ द रुपी आर अवेलेबल इन द 1, 2, 5 and 10। पैसे क्वाइंस ऑफ द रुपी हैव द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द 50 एंड द लोअर डिनोमिनेशंस हैव बीन द ऑफिशियली विदड्रॉन। उसके बाद फिर बात करें, द स्टेट इज डिवाइडेड इंटू द 9 divisions एंड द 38 districts फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो द डिविजन्स आर द भागलपुर, दरभंगा, कोसी, मगध, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, सारण एंड तिरहुत। एंड द डिस्ट्रिक्ट आर द बांका, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, पटना, रोहतास, नालंदा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, गोपालगंज, सारण, सिवान, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीहोर, उसके बाद सीतामढ़ी, वैशाली एंड द वेस्ट चंपारण। तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें फ्रेंड, तो पटना बिहार में पूरे 38 districts हैं। उसके बाद हिल स्टेशन की बात करें, द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन ऑफ द स्टेट आर ब्रह्मा जूनी हिल। उसके बाद ग्रुप पीक, पारागुबडी, प्रतिसहा हिल, उसके बाद रामशिला हिल एंड द ग्रिड कुटा हिल। उसके बाद फिर बात करें, तो ब्रह्मजानी हिल लोकेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गया। दिस हिल इज ऑल्सो नन टू बी द ब्रह्मयोनी। द टॉप ऑफ दिस हिल ऑल्सो द कंटेंट्स टू कैप्स नन टू बी ब्रह्मयोनी एंड द मेट्रियोनी दैट आर द डिसाइडेड टू द एक्स्ट्रा भुजाद्वी। उसके बाद फिर ग्रुपा पीक इज सिचुएटेड इन द गया डिस्ट्रिक्ट। दिस पीक वॉज ऑल्सो नन टू बी द
कुक्त पगड़ी, दिस माउंटेन फॉल्स इन द विलेज ऑफ ग्रुपा। उसके बाद फिर बात करें तो प्राग बोधि, प्राग बोधि इज ए वेरी पॉपुलर माउंटेन एंड इज ऑल्सो नन एज द दुंगेश्वर। दुंगेश्वर द माउंटेन इज द सिचुएटेड नियर टू द केरियामा विलेज इन गया। उसके बाद फिर बात करें तो प्रीतिशिला हिल्स इज लोकेटेड एट गया एंड इट एंड इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द अनदर हिल्स कॉल्ड द रमशिला। रमशिला हिल्स ब्रह्माकुंड ये वेरी ब्यूटीफुल लेक रन्स द बिलो दिस हिल्स। उसके बाद फिर बात करें तो रमशिला हिल्स इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम ऑफ द विष्णुपाड़ा टेम्पल इन गया। इट इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्केयर्ड हिल्स ऑफ द बिहार। ये पॉपुलर टेम्पल कॉल्ड एज रामेश्वरा ऑफ द पताल सेबरा टेम्पल इज सिचुएटेड एट दिस हिल एंड द अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट। उसके बाद फिर बात करें हम लोग तो गृदकुटा इज ऑल्सो नन टू बी वल्चर्स पीक। गृदकुटा एंड वल्चर पीक एंड इज ए वेरी फेमस हिल्स दैट वॉज लिस्टेड इन द बुद्धिस्ट कॉनोनियल टेक्स्ट। उसके बाद जू पार्क्स और जंगल्स गार्डन्स की बात करते हैं फ्रेंड। द मोस्ट फेमस जियोलॉजिकल गार्डन इज इन द स्टेट इज संजय गांधी बॉटनिकल एंड जियोलॉजिकल गार्डन लोकेटेड एट पटना। इट इज द प्योरली नन टू बी द पटना जू। उसके बाद फिर बात करें दिस जू इज लोकेटेड ऑन द बेली रोड इन पटना एंड इज फेमस फॉर इट्स द वेराइटी ऑफ बर्ड्स। सम ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फैक्टर्स ऑफ दिस जू आर द टॉय ट्रेन एलिफेंट। उसके बाद राइडिंग एंड द बोटिंग। सम ऑफ द स्पीसीज लिविंग इन द दिस जियोलॉजिकल गार्डन आर द लायंस, डियर्स, एलिफेंट, बियर, मंकीज, टाइगर्स, लियोपार्ड्स, एमू, पीकॉक इटीसी। दिस जू इज द ऑल्सो फिल्ड विद द वेराइटी ऑफ ट्रीज। तो ये जू वगैरह की बात करें, नेशनल पार्क एंड द वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें फ्रेंड तो द मोस्ट फेमस नेशनल पार्क इज इन पार्क इन बिहार आर द बेतला नेशनल पार्क एंड द वाल्मीकि नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट द 140 किलोमीटर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट रांची। दिस पार्क कैप्स एन एरिया ऑफ द 232 स्क्वायर किलोमीटर एंड द मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज द लिविंग इन द पीक द टाइगर्स। अदर पॉपुलर स्पीसीज ऑफ दिस पार्क आर द पैंथर्स, स्लॉथ बियर, वर्ल्ड बियर और सांभर, नील गाय, काकर एंड द माउस डियर। तो ये सब वहाँ का हो गया। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट द वेस्ट चंपारण विच इज ए डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड एट बिहार। दिस पार्क ऑल्सो कैप्स एन एरिया ऑफ 335 स्क्वायर किलोमीटर। द पॉपुलर इनहेबिटेशंस ऑफ दिस पार्क आर द चेताल्स, सांभर्स, नीलगेज, लियोपार्ड्स, हाइनाज, इंडियन कैबेट्स, जंगल कैट्स, हॉग डियर एंड वर्ल्ड डॉग्स। तो ये सब है। द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार आर द राजगीर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबांध सेंचुरी, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी और टोपांची वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द लावलोंग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब हो गया। उसके बाद फिर बात करें प्लेस, फॉरेस्ट और म्यूजियम, आर्ट ग्लेरीज की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे द मोस्ट पॉपुलर फोर्ट्स ऑफ द बिहार आर द विशाल फोर्ट, मुंगेर फोर्ट एंड द रोहतासगढ़ फोर्ट। तो ये सब यहाँ के फोर्ट फेमस फोर्ट्स हो गए हैं। उसमें विशाल फोर्ट इज लोकेटेड नियर टू द पार्लियामेंट ऑफ दिस स्टेट एंड इज वेरी फेमस फॉर द अमेजिंग कंस्ट्रक्शन। उसके बाद मुंगेर फोर्ट इज सिचुएटेड एट मुंगेर। दिस फोर्ट कैप्स एन एरिया ऑफ द 222 एकर एंड इज वेल नन फॉर इट्स द एलिजेंट लुक। उसके बाद रोहतासगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रोहतास। रोहतास इज ओनली 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम द डेहरी एंड 39 किलोमीटर फ्रॉम द सासाराम। दिस फोर्ट ऑल्सो द कंटेंट्स द 2000 स्टेप्स इन ऑर्डर टू द क्लीम द टॉप ऑफ दिस हिल एंड इट इज एट ए हाइट ऑफ द 1500 फीट्स। तो ये सब जाने। उसके बाद फिर बात करें तो विक्रम
विक्रमशिला म्यूजियम इज द मोस्ट फेमस म्यूजियम इन बिहार एंड इज द फेमस फॉर इट्स द प्राइसलेस आर्ट एंशियंट माउंटेन्स एंड एंशियंट यूटेंसिल्स कॉइन्स ज्वेलरी एंड मैनी अदर एंशियंट वेपन्स। दिस म्यूजियम इज लोकेटेड एट द एक्सेस ऑफ द एक्सकेवेशन साइट। उसके बाद टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ बिहार आर द संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, हर मंदिर साहिब ऑफ पटना, राजगीर, वाल्मीकि नेशनल पार्क, शांति स्तूपा, बाबर केव्स। उसके बाद महाबोधि मंदिर, महावीर मंदिर और महात्मा गांधी सेतु एंड द विक्रमशिला म्यूजियम। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड एट पटना विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। उसके दिस पार्क द कंसिस्ट ऑफ मैनी ट्रीज हर्ब्स एंड द सर्व्स। दिस पार्क ऑल्सो सर्व्स एज ए इनहेबिटेंट फॉर द अप्रोक्सीमेटली 800 एनिमल्स। हर मंदिर साहिब ऑफ द पटना इज वन ऑफ द होली प्लेस ऑफ द बिहार एंड इज सिचुएटेड एट पटना। राजगीर हैज मैनी टेम्पल्स एंड द मोनेस्ट्रीज एंड इज द कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बॉडी द हेरिटेज ऑफ द बिहार। उसके बाद फिर बात करें वाल्मीकि नेशनल पार्क इज ए फेमस पार्क इन बिहार एंड इज द सिचुएटेड एट द वेस्ट ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। उसके बाद फिर बात करें शांति स्तूपा इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए हिल विच इज द अबाउट 400 मीटर्स टेल। उसके बाद फिर बात करें तो बराबर केव्स इज द केव्स इज सिचुएटेड एट द डिस्ट्रिक्ट गया एंड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू पिलग्रिम्स ऑफ द बिहार। उसके बाद टेम्पल्स और पिलग्रिम सेंटर्स की मॉस्क्यू एंड चर्चेस गेंस की बात करें तो सम ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स इन द स्टेट द महाबोधि बिहार। उसके बाद पावापुर जगदीश टेम्पल एंड द वाटर टेम्पल। उसके बाद फिर बात करें तो महाबोधि बिहार इज ऑल्सो नन टू बी द बोधिगया टेम्पल एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इन द स्टेट। उसके बाद फिर बात करें तो पावापुरी इज अनदर फेमस टेम्पल इन द स्टेट एंड इज लोकेटेड एट पटना। उसके बाद फिर जगदीश टेम्पल इज बुल्ट इन द ईयर 1651 एंड द डाइटीज ऑफ दिस टेम्पल आर लॉर्ड विष्णु। उसके बाद फिर वाटर टेम्पल हैज ए बिग लेक दैट इज फिल्ड विद द लोटस एंड इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टेम्पल्स ऑफ बिहार। तो ये सब हो गया। उसके बाद फिर हैंडीक्राफ्ट ड्रीज मटेरियल्स होलसेल प्रोडक्ट्स की बात करें तो सम ऑफ द फेमस हैंडीक्राफ्ट्स आर आर्किटेक्चर स्कल्पचर मधुबनी पेंटिंग्स सुजानी एंड द काटवा एम्ब्रॉयडरी वुड इनली लेक्वेवेयर स्टोन क्राफ्ट पेंटिंग एंड सिक्की वर्क। ये सब हो गया। पेंटिंग इज द स्टेट आर द ट्रेडिशन वन एंड विल बी डन इन द फ्रेश प्लास्टर्ड मट वेल ऑफ द हंट्स क्लोथ एंड हैंडमेड पेपर एंड द कैनवास। उसके बाद मधुबनी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द पेंटिंग इज दिस स्टेट एंड विल बी द डिप्रिशिएटिंग द नेचर एंड द मोस्टली इन्वॉल्व एंड द पिक्चर ऑफ द हिंदू डाइटीज लाइक लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड दुर्गा, गॉडेज लक्ष्मी एंड द गॉडेज सरस्वती। उसके बाद सुजिनी एंड काटवा एम्ब्रॉयडरी इज ए ट्रेडिशनल वन एंड द वेरी फेमस अमोंग द रूरल एरिया। सम ऑफ द डिजाइंस दैट इन्वॉल्व इन दिस एम्ब्रॉयडरी वर्क आर द पिकॉक्स डांसिंग बॉय फ्लाइंग काइट इटीसी हो गया फ्रेंड। उसके बाद वुड इनेली की बात करें इज डन इन द सेवरल मटेरियल्स लाइक द मेटल आइवोरी एंड द स्टेग हॉर्न। मैनी डेकोरेटिव पीसेस लाइक वेल द हाइजाइंस द टेबल स्टॉप द ट्रेज एंड ए वेराइटी ऑफ द यूटिलिटी आर्टिकल्स आर ऑल्सो डन ओवर हियर। उसके बाद फिर सेलिब्रेशंस ऑफ फेस्टिवल्स एंड डांस फॉर्म की बात करें ऑलमोस्ट ऑल द फेस्टिवल्स आर बींग द सेलिब्रेटेड इन बिहार एंड द मोस्ट फेमस फेस्टिवल्स एमंग ऑल आर द छठ पूजा। छठ पूजा इज वेरी फेमस फेस्टिवल इन द बिहार। उसके बाद साम चेकवा, उसके बाद रामनवमी, मकर संक्रांति, भीला एंड मधुश्रावणी। छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड ट्विस ए ईयर एंड फॉल्स इन द मंथ ऑफ द मार्च एंड नवंबर। थ्रो दिस इज ए फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। सम ऑफ द
मुस्लिम्स ऑल्सो एक्टिवली द पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशन। उसके बाद शाम चकवा इज ए फेस्टिवल दैट इज द स्पेशली सेलिब्रेटेड इन द मेथला। दिस फेस्टिवल इज डिसाइडेड टू द ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप एंड इज ए वेरी ट्रेडिशनल वन। रामनवमी इज ए फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड द पॉपुलरली इन ऑल अक्रॉस इंडिया। उसके बाद बिहुला इज ए फेस्टिवल वेरी फेमस इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इज द डिसाइडेड टू द गॉडेस मनसा। उसके बाद बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, रक्षाबंधन, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद एंड द क्रिसमस आर द अदर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट। तो ये सब पूरा हो गया। सम ऑफ द मोस्ट फेमस डांस ऑफ बिहार आर द झिझिन डांस, जाट जाटिन डांस, उसके बाद कजरी डांस। ये सब फेमस है फ्रेंड। झिझिन डांस इज ए पॉपुलर डांस परफॉर्म बाय द विलेज वुमेन इन द ऑर्डर टू द ऑर्डर टू द प्लेस द लॉर्ड इंद्रा हु इज द लॉर्ड ऑफ रेन। उसके बाद जाट जाटिन डांस इज ए फोक डांस दैट इज फेमस इन द मिथिला एंड कोसी रीजन। उसके बाद कजरी डांस इज द वेरी पॉपुलर एंड इज द परफॉर्म ड्यूरिंग द रेनी सीजन। उसके बाद एजुकेशनल हब्स की बात करें, द यूनिवर्सिटीज इन बिहार आर सेड टू बी द फाउंटेन ऑफ द हायर एजुकेशन इन इंडिया एज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कॉल द नालंदा यूनिवर्सिटी इज प्रेजेंट इन दिस स्टेट। सम ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार आर द नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट पटना एंड वाज द एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1987। पटना यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट पटना, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट दरभंगा। उसके बाद कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट दरभंगा। उसके बाद चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिचुएटेड एट पटना। जयप्रकाश विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट छपरा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो कॉल्ड द IIT इज लोकेटेड एट पटना। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार लोकेटेड एट पटना। होटल्स की बात करें, 5-star, 4-star, 3-star एंड द फैसिलिटी। द टाइप्स ऑफ द होटल्स अवेलेबल इन बिहार आर द लग्जरी होटल्स, द हेरिटेज होटल्स, 5-star, 4-star, 3-star, 2-star एंड द बजट होटल, डिस्काउंटेड होटल। द पैकेजेस आर ऑल्सो द अवेलेबल इन दिस स्टेट दैट द फेवर्स द टूरिस्ट ए लॉट। द मोस्ट फेमस होटल इन बिहार द गया होटल्स, बोकारो होटल्स, छोटा नागपुर होटल्स, देवघर होटल्स, उसके बाद धनबाद होटल्स, हजारीबाग होटल्स, जमशेदपुर होटल्स, ये सब फेमस हो गया फ्रेंड। उसके बाद हॉस्पिटलिटी की बात करें, तो बिहार हैज ए ग्रेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज अबंडेंट। द हॉस्पिटल्स आर द स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ बिहार, एमंग विच द मोस्ट पॉपुलर वन आर द लोकेटेड एट द स्टेट ऑफ पटना विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। द मोस्ट पॉपुलर हॉस्पिटल्स आर द डॉक्टर रूबिन मेमोरियल हॉस्पिटल, उसके बाद मगध हॉस्पिटल, राजेश्वर नर्सिंग होम, उसके बाद श्यामल हॉस्पिटल, उसके बाद सहयोग हॉस्पिटल, ये सब हो गया फेमस हॉस्पिटल वगैरह की बात हो गया। शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, बिजनेस सेंटर की बात करें, द टूरिस्ट टू द स्टेट विल ऑल्सो बी मूव्ड बाय द एक्सक्यूटिव कलेक्शंस ऑफ द पियरल्स एंड द डायमंड ज्वेलरी एडेड विद द मोस्ट। बात करें तो महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स हो गया, अमित पूजा स्टोर हो गया, वेदी हार्डवेयर एंड द जनरल स्टोर हो गया, ये सब है। सिनेमा हॉल्स की बात करें, भोजपुरी सिनेमा इज वेमर वेरी पॉपुलर सिनेमा एंड द रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड वाइड। भोजपुरी सिनेमा हैज ए वेरी गुड वर्ल्ड मार्क एंड द डिमांड फॉर द दिस सिनेमाज आर द इंक्रीजिंग डे बाय डे एज द NRI फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार आर द टेमेंडसली इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर द भोजपुरी सिनेमा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। रेजेंट सिनेमा, अप्सरा सिनेमा, बीना सिनेमा हॉल एंड मोना सिनेमा, ये सब हो गया फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ ये सब हो गया। उसके बाद फूड हेरिटेज की बात, फूड हैबिट्स की बात, द मोस्ट पॉपुलर स्टाइल ऑफ द कुकिंग इन द स्टेट ऑफ बिहार आर द गुप्ता, मोरियन, टर्क, अफगान, पर्सियन एंड द यूरोपियन स्टाइल। द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ बिहार आर द व्हीट एंड राइस। वेजिटेबल्स ऑल्सो प्लेज द मेन रोल इन द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट। उसके बाद मील्स की बात करें, द रेगुलर मील ऑफ द पीपल इन दिस स्टेट द इनकम्पासेस दाल भात फलका तरकारी एंड द अचार, बट द सेशंस चेंज टू डज द बिहारी थाली एंड इज नन टू बी द बिहारी मील्स।
तो ये सब हो गया फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो में क्या कमी रही, तो हम लोग सुधार के फिर वीडियो बनाएंगे फ्रेंड। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।